फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo T3 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आपके मोबाइल फोन की जो वॉल्यूम है वो ऑटोमेटिक अप एंड डाउन होने लगती है ना, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में डिटेल में जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके फोन की जो वॉल्यूम है वो ऑटोमेटिक कम या ज्यादा होने लगती है तो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। अगला काम ये करना है, आपके फोन में फाइल का ऐप होता है, इस फाइल का ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन टैप करना है। इस पेज में आपको नीचे आना है और आपको ये एंड्रॉइड सिस्टम का ऑप्शन टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है। अब यहाँ पर आपको क्लियर कैच पे टैप करना है तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है। अब आपको बैक पेज पे जाना है। अब इसके भी बैक पेज पे जाना है तो आपने जो एंड्रॉइड सिस्टम सेलेक्ट किया था ना, इसके नीचे आपको एंड्रॉइड सिस्टम वेब व्यू का ये ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अंदर आपको नीचे स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है। अब यहाँ पर आपको क्लियर कैच पे टैप करना है तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है। ठीक है, अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का ना सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिस्टम अपडेट आपको लिखना है। आपको नीचे सिस्टम अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है। ठीक है, अगला काम ये करना है, आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। इसमें सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा। इरेज ऑल डेटा पे टैप करेंगे तो अगले पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन का जो डेटा है ना उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए प्रोसेस आप यूज करेंगे तो इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है,